हमें लेके चल रहे हैं इस रूम में। अभी जैसे कि स्वीट का नाम ही कायद आजम स्वीट है, और ये एक प्लैक इन्होंने यहाँ पर लगा के रखा होगा। यूँ तो मैं लाहौर कई दफ़ा आया हूँ, लेकिन आज के इस विजिट की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन मिली जो थी वो इस्लामाबाद से ये सोच समझ कर आना कि मैं लाहौर जा रहा हूँ और मुझे कम से कम 2 दिन का क़याम यहाँ करना है, तो फिर मुझे किस होटल में रहना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा लाहौर के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ था और यहाँ पर चूँकि आना जाना लगा है, तो मुझे बताया गया था कि यहाँ पर एक होटल है जिसका नाम है होटल फ्लैटीज। होटल फ्लैटीज की जो ख़ास बात है वो ये कि ये होटल जिसके आप अभी ये बड़े बड़े दरवाजे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और वसी कुशादा कमरे देख रहे हैं, तो एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है। बेसिकली ये बिल्डिंग 1880 में तामीर की गई थी, और इस होटल की बड़ी बात, जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर हैं, उन्होंने यहाँ पर क़याम किया हुआ है। वो यहाँ पर आए थे लाहौर, और वो यहाँ इस होटल में उन्होंने उस वक्त क़याम किया था जब वो पॉलिटिकल रैलीज़ के सिलसिले में या अपने दूसरे जो कॉर्नर और जो मुस्लिम लीग की जो उस वक्त की मीटिंग्स थी उसके सिलसिले में जब भी वो आते थे लाहौर, तो उन्होंने यहाँ पर भी क़याम किया है। और इस लिहाज से इस होटल की बहुत अहमियत है, और यहाँ पर आकर मुझे महसूस हो रहा है कि वाकई ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग के अंदर से और खसूसन इन कमरों के अंदर ये जो लकड़ी है जो कि अभी तक अपनी सही हालत में मौजूद है, इसकी अपनी खुशबू है। और इस खुशबू और इस होटल की जो दरो दीवार हैं उसकी अंदर से उठने वाली जो महक, वो बताती है कि बहुत पुरानी इमारत है, और जो कि आम तौर पर दूसरे होटल्स में नहीं आपको मिलती। तो ये एक ख़ास बात थी जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस होटल की। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वो होटल है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले अंदर से दिखा रहा था, और इसका नाम है फ्लैटीज होटल। लॉन बहुत खूबसूरत है, आप जैसे देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है, और पौधे लगाए हुए हैं उन्होंने, और नाइस सीटिंग अरेंजमेंट कि आप यहाँ पर शाम के वक्त या सुबह के वक्त आकर बैठ सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ आए हुए हैं तो इट्स ग्रेट ग्रेट प्लेस, ग्रेट ग्रेट लॉन टू डू सम एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी। और होटल जो है वो इतना बड़ा होटल इन दैट सेंस के मल्टी स्टोरी होटल हो नहीं, कॉलोनियल एरा का पुराने तर्ज का बना हुआ ये होटल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये, अगर मैं आपको इधर से इस बिल्डिंग में दिखाऊं तो ये इनकी मेन रिसेप्शन है, अंदर से भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन मेन रिसेप्शन के साथ जुड़ा हुआ ये कॉरिडोर जो यहाँ से गुज़रता है, और ये पीछे रेजिडेंशियल जगह है जहाँ पर कमरे मौजूद हैं। और मुझे रात को कोई बता रहा था कि इसमें तकरीबन 34 से 40 के करीब रूम्स और रॉयल सूट्स मौजूद हैं, जिसमें वो कमरे भी मौजूद हैं जिनमें मशहूर शख्सियात इंक्लूडिंग मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, जस्टिस कॉर्नेलियस, मोहम्मद रफ़ी,
और दीगर बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर ठहरे। तो ये तो हो गया इसका लॉन। अभी मैं फिर दोबारा अंदर जा रहा हूँ और मैं आपको थोड़ा सा जो कॉरिडोर है उसका भी विजिट कराता हूँ। जैसे ये एवा गार्डनर स्वीट है, ये मशहूर स्वीट है वो, जहाँ पर एवा गार्डनर आके रुकी थी। एवा गार्डनर मशहूर हॉलीवुड की हीरोइन। ये वो रास्ता है जहाँ से हम कॉरिडोर पे पहले बाहर से देख रहे थे, और ये फोटो कॉरिडोर मशाला बहुत खूबसूरत तरीके से इसको इन्होंने अभी तक मेंटेन रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है। और कुछ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं इन्होंने इस कॉरिडोर के दोनों तरफ पर लगा के रखी हुई हैं, लाहौर की मशहूर बिल्डिंग्स। और ये देखिए मशहूर फूड स्ट्रीट लाहौर की, उसका एक मंजर। इसी तरीके से ये भी एक बिल्डिंग है, हेल्थ क्लब भी यहाँ मौजूद है। लेट मी सी इफ इट्स ओपन। यस इट इज ओपन। यू कैन सी दैट इट्स अ स्मॉल हेल्थ क्लब व्हिच इज अगेन sort of attached with you can see the lawn. Building purani hai lekin it's now equipped with the modern facilities. Lahore mein Basant ka ek manzar, GPO ki building aap dekh sakte hain। So I would say it's a very nice place to visit, it's a very nice place to stay here। और ये main parking है इस hotel की, आप देख सकते हैं it's a big parking। और ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी main entrance है hotel की। इस तरफ आप अगर देखें इस boundary wall के side पर तो मशहूर एगर्टन रोड है, और ये एगर्टन रोड साथ में और मज़ीद अगर मैं यहाँ इस चौक से राइट साइड पे मुड़ूँ तो अल्हम्ब्रा हॉल की तरफ मुझे लीड करता है, और फिर अल्हम्ब्रा हॉल से हम माल रोड पर आ जाते हैं। और ये जो दरख्त इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कहते हैं कि 100 साल 200 साल पुराने दरख्त हैं। नो डाउट इस दरख्त की ज़खामत बता रही है कि बहुत बड़ा दरख्त है। और पार्किंग आप देख सकते हैं कि होटल की बहुत कुशादा है। एट अ टाइम मोर देन 100 कार्स यू कैन पार्क हियर। और इसके साथ मुत्तसिल एक और बिल्डिंग भी है जो कि इस मेन एंट्रेंस के राइट साइड पर है। और पीछे उस बिल्डिंग में अगर आप जाएं तो वहाँ पर हॉल्स मौजूद हैं फंक्शंस करने के लिए, बड़े हॉल्स। और ये मोनोग्राम है इनके होटल का, फ्लैटीज मशहूर एक बिजनेसमैन, इटालियन बिजनेसमैन, उनकी चेन है या उनके नाम पर फ्लैटीज होटल रखा हुआ है, जो कि इटालियन बिजनेसमैन थे। अभी तक ये बिल्डिंग अपनी असल हालत में मौजूद है। और वो जो मैं बता रहा था आपको हॉल्स हैं, रॉयल ग्रैंड हॉल, इस तरीके से इस साइड पर भी इनके रूम्स हैं, आप इस साइड पर भी आ सकते हैं। और मैं हम इस साइड पर पुराने रूम्स जहाँ पर जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि 100 साल और 150 साल पुराने रूम्स हैं, और जहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर शख्सियात आगे ठहरी। और एक और बड़ा दरख्त आप देख सकते हैं।
ये देखिए जी, ये हॉल्स हैं वो जिनका मैं जिक्र कर रहा था। इन हॉल्स में आप यहाँ पर फंक्शंस कर सकते हैं। और ये इसके साथ वो तस्वीर दूसरी पार्किंग जो इसके होटल की बैक साइड पर मौजूद है। इसका एक गेट जो है वो आप देख सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद है, एक इस साइड पर भी गेट मौजूद है जो कि जो इस रोड जो उसकी बैक साइड पर जो रोड गुजर रहा है उस पर आपको एक्सेस देता है। उस रोड से आप लेफ्ट अगर मुड़ें इस साइड पर तो ये आपको लक्ष्मी चौक की तरफ ले जाता है। तो कहने का मकसद ये कि बहुत सेंट्रली प्लेस्ड लोकेशन है इसकी, और आप आएँ यहाँ पर रुकें और एक्टिविटी करें। इट्स वंडरफुल वंडरफुल प्लेस अगर आपको टूरिज्म का बहुत शौक है और आप इस चीज़ के बारे में भी कॉन्शियस है कि आप अच्छी जगह पर आके ठहरे जहाँ पर सर्विसेज भी अच्छी हों और जहाँ पर आपका रिहाइश का भी प्रॉपर और बेहतरीन इंतज़ाम किया गया हो। सो दैट इज़ अ सेंट्रली लोकेटेड बेस्ट प्लेस। यहाँ पर आप आए, रुकें और इन्जॉय करें। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि जो मशहूर शख्सियात इस होटल में आकर ठहरी हैं, उन्होंने इनको एक फीचर किया एक वॉल के ऊपर। आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे सबसे टॉप लेफ्ट साइड पर मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जस्टिस कॉर्नेलियस और मिस्टर फ्रेटी जो कि बिजनेस मैन इस होटल के ऑनर, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। और इसके साथ जिन्ना की तस्वीर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ आप देख सकते हैं ये तस्वीर, और रॉबर्ट डेविस, गारफील्ड, सोबर मशहूर क्रिकेटर वेस्ट इंडीज के, और जॉर्ज क्यूगर, दिलीप कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मोहन सिंह ओबेरॉय, भाई राम सिंह, रॉबर्ट एडिसन जिनके नाम पर ये रोड है, मालम बैंडो, एवा गार्डनर, सर एंड बेगम आगा खान, तो आगा खान और उनकी वाइफ भी यहाँ पर, ड्यूक एलिंग एलिटन, राज कपूर और लॉर्ड एंड लेडी माउंट बैटन वो भी यहाँ पर रुके हैं और इनकी तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है इस होटल के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। और ये उनका इस होटल का कैफे है, कैफे दी ब्रांडो, और ये उन्होंने अपने ही गेस्ट के नाम पर इसको यहाँ पर ब्रांड किया हुआ है। तो अभी मैंने होटल की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक्सेस अगर दे दें जिन्ना के रूम की तरफ, तो वो आज हमें लेके चल रहे हैं इस रूम में। अभी जैसे कि स्वीट का नाम ही कायद आज़म स्वीट है, और ये एक फ्लैग इन्होंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है विच कैन बी रीड एज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फादर ऑफ द नेशन केम टू लाहौर ऑन 14 July 1929 टू defend the case of Ghazi Ilmuddin Shaheed before the High Court. He stayed in room 101. ये रूम है, अभी ये लॉक्ड है, शायद जो की है वो काम नहीं करी। इन्होंने ख़ास तौर पे इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ इस रूम को, और मुझे भी बताया गया है कि इस रूम की जो प्राइस है वो नॉर्मली जो इस हॉल इस सारे एरिया में जितने भी स्वीट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा चार्ज की जाती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस रूम में मोहम्मद अली जिन्ना आके रुके थे। तो जैसे ही ये रूम खुलता है तो फिर हम इस रूम में अंदर दाखिल होते हैं जी। तो रूम खुल गए तो आई जी देखते हैं स्वीट कैसा है जहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना आके रुके थे। और थोड़ा सा हम इनकी मैनेजर साहब से ये पूछेंगे कि हमें थोड़ा सा ये भी गाइड कर दें कि क्या ये
अपनी असल हालत में मौजूद है या इसे रेनोवेट किया गया है, और ख़ासा कुशादा माशाल्लाह रूम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने मोहम्मद अली जना का पोर्ट्रेट भी लगा हुआ है, और मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे मोहम्मद अली जना साहब ने इस टेबल पे आकर बैठकर काम भी किया होगा, क्योंकि ये टेबल देख सकते हैं कि खासा पुराना, और ये लैंप भी देख सकते हैं कि इसकी साख भी खासी पुरानी है डिज़ाइन। और मैंने देखा है कि बाकी रूम्स के अंदर भी लैंप्स इसी तरह के ही पड़े हुए हैं। तो सर थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि इस रूम में जब मोहम्मद अली जना साहब आके ठहरे थे तो अभी तक इस रूम को उसी हालत में प्रिजर्व रखा गया है, यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं फर्नीचर वगैरह ये वही पुराना है या चेंज किया गया है? हाँ जी कायदे, अस्सलामुअलैकुम, कायदे से मोहम्मद अली जना 1929 में गाजी अलउद्दीन शहीद का केस डिफेंड किया था उन्होंने, तो वो यहाँ से हाई कोर्ट जाया करते थे। ये एज इट इज़ उनका वही रूम है, उनकी में ये जो चीज़ें हैं ये आप बेड देख सकती हैं, उसी वक्त का बेड है, ये चेयर देख लें आप, ये चेयर देखें ये उस वक्त की चेयर है, सारी फर्नीचर वही है, इसको हमने मेंटेन किया हुआ है बड़ी अच्छी तरीके से। सही, तो बाकी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें कुछ चीज़ें आपने चेंज भी की हैं इस होटल में? सारी, और ये टेबल ये हम अज्यूम कर सकते हैं ये वही टेबल है उस वक्त की टेबल, आप इस चेयर को देखें गौर करें, ये चेयर जो है इसी के साथ बैठे हुए सामने देखें, ये जो पिक्चर है ये यही वाली पिक्चर है। एग्जैक्टली, ये मोहम्मद अली जना इस रूम के अंदर बैठे हुए उसी वही तस्वीर है जो उन्होंने यहाँ बैठ के बनवाई थी, और ये वही चेयर है जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर होटल ने अभी तक इसको ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सोफा सीट है ये देखिए, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो कितने दिन जना यहाँ पर आके रुके थे? मैं 3 वीक्स का था ना, गाजी अलउद्दीन शहीद का केस जब तक डिफेंड किया था उन्होंने। 3 वीक्स? आई थिंक 3 वीक्स। ज़बरदस्त, और लाहौर हाई कोर्ट वो आके ठहरे। और ये जनाब आप देख सकते हैं ड्रेसिंग रूम और टॉयलेट, बाकी जो रूम है मैंने देखे हैं उनका जो इंटीरियर है वो खासा तब्दील हो गया हुआ है, लेकिन ये जो रूम है इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं ख़ास तरीके से अभी तक इसको इन्होंने इस वुड को इसको इसके दरवाजे और ये बाकी ये देख लीजिए ये भी पुराना है उसी वक्त का, ये इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। नाइस, सुपर नाइस। सो व्यूअर्स एंड गाइस, इट्स अनदर ऑनर फॉर मी दैट आई एम विजिटिंग लाहौर एंड आई गॉट दिस वंडरफुल चांस टू विजिट दिस स्वीट वेयर मोहम्मद अली जना स्टेड, द फाउंडर ऑफ आर नेशन मोहम्मद अली जना। हम अपने मैनेजर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें एक्सेस दी इस जगह की, विच इज़ काइंड ऑफ एन ऑनर। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। तो गाइस मैं इस वक्त अपने रूम में वापस आ गया हूँ, और आपने भी देखा कि जब हम विज़िट कर रहे थे मोहम्मद अली जना का रूम जहाँ पर आके वो 3 हफ्ते तकरीबन 3 हफ्ते के लिए आके वो ठहरे थे, तो वहाँ पर आपको मैंने प्लेक दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि मोहम्मद अली जना यहाँ पर गाजी इल्मदीन शहीद का जो केस है वो डिफेंड करने के लिए आए थे। तो ये केस बेसिकली केस क्या था, केस ब्लास्फेमी से रेलेवेंट शायद कोई केस था, तो उस हवाले से वो केस गाजी इल्मदीन शहीद पे वो डिफेंड करने के लिए यहाँ पंजाब में आए थे, और लाहौर हाई कोर्ट में वो केस चला था। क्या केस था वो उसकी डिटेल्स जानेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि चूँकि ब्लास्फेमी का केस था थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है, और क्या वजह थी मोहम्मद अली जना ने इसको डिफेंड किया था, और उस वक्त का क्लाइमेट क्या था। मेरे ख्याल में मुझे इसके बारे में अभी तो फ़िलहाल इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, लाहौर से बिलोंग भी करते हैं, बड़ा इस हवाले से काम करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और इस हवाले से पाकिस्तान में जितने भी लॉज हैं उस हवाले से उनका काफ़ी अच्छा काम है, और हालिया दिनों में उन्होंने
जिनाह की ज़िंदगी के ऊपर एक किताब भी लिखी है जो कि अभी रिसेंटली गालबन इसी महीने में पब्लिश हुई है। उनसे पूछेंगे कि ये केस क्या था, मोहम्मद अली जिनाह ने क्यों ये केस टेकअप किया था, क्यों डिफेंड किया था गाजी इलमदीन शहीद, जबकि ब्लास्फेमी का जो मामला है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो जानेंगे क्या वजूहात थी उस वक्त और क्या पॉलिटिकल डायनेमिक्स थे उस वक्त।